गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. This is your cult to Canada ke hawa se. फिलहाल अभी मैं लैपटॉप लेने गया था जिसमें हम एडिट कर पाएंगे। अगर आपने इंस्टा पे फॉलो किया नहीं रहेगा तो @ कल्ट लुक। बहुत रेरी दिखे हैं मैंने अभी तक, यहाँ पे बर्ड्स ज़्यादा दिखते नहीं हैं। ओके तो फिलहाल सतोड़ा के मैं गया था स्टेपल्स, वहाँ से लैपटॉप ले लिया है। कौन सा लिया मैं बता दूंगा। मेरे कोर्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं था बट एडिटिंग एंड कुछ और चीज़ों के लिए मुझे ये थोड़ा ऐसा गेमिंग लैपटॉप चाहिए था तो वो ले लिया है। उसका अनबॉक्सिंग भी घर पर जाके करेंगे। कुछ मैंने सोचा नहीं था मैं आऊँगा यहाँ पर एंड कुछ करूँगा बट बस आ गई है, बस में बैठते हैं अभी क्योंकि बस थोड़ी जल्दी आई है तो ड्राइवर वेट कर रहा है। भाई चार्जिंग ही नहीं था इसको, ये चार्जिंग के लिए लगा है, कुछ इस तरह दिखता है ये। भाई 1 2 3 4 अरे तेजस काय दिसतोय वाकली रे भाई, तेजस आकर्षण कराडे प्रमुख आकर्षण भाई। आज है गणपति चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। आज गणेश चतुर्थी है एंड लोग मतलब मैं एक फ्रेंड्स के यहाँ पे गया था। हे वी आर विद एपी डिलोर और फ्रेंड्स के यहाँ पे गया था गणपति के लिए। कम्युनिटी थ्रू हम लोग एक ग्रुप थ्रू उन्होंने मतलब बुलाया था तो वहाँ से अभी ढोल ताशा फंक्शन सेरेमनी के लिए है यहाँ पे किचनर में वाटरलू से। अभी अंदर जाके देखेंगे कैसा रहेगा। मुझे पहले लगा था कि फुल रोड पे ऐसा फुल स्लेज में रहेगा बट वैसा नहीं है। आई एम नूब। गणपति बाप्पा
सॉक्स, एक डायरी, बैग और ये मैं उस फ्रॉस्ट किट में और ये बोतल भी मिली थी। तो कनाडा आके मुझे लाइक 2 महीने हो चुके हैं एंड इन 2 महीनों में बहुत सी चीज़ें हुई है। अभी सीन ऐसा है कि मैं जिम मैंने लगाई है एंड वो कंटिन्यू करनी है मुझे। फर्स्ट डे पे मुझे बैक पेन हुआ था तो वापस 2 हफ्ता में गया नहीं था। अभी चप्पल में
चाह रहा हूँ, बट ये बहुत रिस्की हो सकते हैं जब एक्चुअल बर्फ़ गिरनी चालू होगी। अभी जो अपने थोड़ी देर पहले वीडियो देखी थी वो फेरीज की थी। ओके वेट, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा चिंटू मिंटू बर्फ़ गिरता है, बट वो इतना कलेक्ट होता नहीं है। जब रियल बर्फ़ गिरेगी तब, जैसा मैं अभी घूम रहा हूँ, लेयर मैंने पहना है बट वो भी मतलब थोड़ा ही है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो उसके लिए इतना सा लेयर काम नहीं करेगा, आप कुल्फ़ी बन जाओगे। तो जो 2 महीनों में मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या कैनेडा है क्या नहीं है, वो मैं आपको बताऊँगा आगे की वीडियो में। बाहर अभी हो रखा है 1 डिग्री और बाहर तो बेटा तो जाएगा नहीं। तो अबाउट कनाडा, कनाडा हैज़ बीन ग्रेट, आगे भी ग्रेट हो ऐसी मेरी इच्छा है। वो डिपेंड करता है अभी कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। जैसे अगर आपको जॉब लगती है तो जो भी ग्रोसरी वाले खर्चे होते हैं या फिर रेंट का जो होता है वो भी निकल जाता है। अगर आपको अच्छे खासे जॉब लग रहे हैं, आपको अगर समझो आवर्स मिल रही है, 20 आवर्स मिल रही है प्रॉपर, बेयर मिनिमम जो खर्चा होता है ना वो निकल जाएगा। सब बेयर मिनिमम नहीं बोलते बट थोड़ा सा तो खर्चा निकल जाएगा जिससे आपकी GST बच जाएगी। एंड अगर आपको नहीं मिलता जॉब तो फिर वो थोड़ा दिक्कत आती है। वैसे तो मैं किसी को ये नहीं कर रहा, रिकमेंड नहीं कर रहा कि आओ, क्योंकि मैं अभी तक आके मैंने कुछ तीर मारा नहीं है, तो मैं ऐसा किसी को बता नहीं सकता कि आओ अच्छी जगह है, मत आओ बुरी जगह है। सो फॉर मी इट्स लाइक न्यूट्रल, आने तो आओ, जो मतलब जो कोई भी आएगा वो एक्सपीरियंस करेगा ही जितना भी कुछ चीज़ें। जैसे हम लोग के साथ ना एक बंदा था, वो कुछ 10 दिन रहा कनाडा में एंड चला गया इंडिया। अभी आप पे है कि आप वो का माइंडसेट क्या बना के आ रहे हो। मैंने तो पूरा वर्स्ट के सिनारियो का माइंडसेट बना के आया था कि हो सकता है तो अपने को रेडी रहना है, तो उसके हिसाब से तो काफ़ी बेटर ही हो रहा है मेरे। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत कच्चा पक्का काइंड ऑफ है। अगर आप प्रॉपर एरिया में रह रहे हो जहाँ पे ज़्यादा हलचल है तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी। फिर भी मैं एक बताऊंगा कि जैन इंटेक के लिए अगर आप आ रहे हो तो आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या आप ला सकते हो, और अगर एक्स्ट्रा चीज़ें आपको और लानी है तो वो आप पे है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।